नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिया 24 न्यूज़। मैं आपके साथ आदर्श। रीवा जिले के मऊगंज पिपराही गांव में रहने वाले जय प्रकाश गुप्ता को गांव के दबंग जवाहर सिंह गौड़ ने दो दिन अपने घर में हाथ पैर बांधकर उसे नंगा कर लाठी डंडे जूते और मुक्के से बेरहमी पूर्वक मारपीट की थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ और घटना की विस्तृत जानकारी मीडिया में आई तो कलेक्टर ने कार्यवाही की, लेकिन वैश्य समाज ने कहा कि घटना की जितनी भी घोर निंदा की जाए कम है। इस घटना को वैश्य महासम्मेलन की रूपरेखा और सभी सदस्यों ने मिलकर अपराधी के खिलाफ एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोपी का घर गिराने, उसे सेवा से बर्खास्त करने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा दिलाने की मांग भी की गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उक्त वीडियो में सरपंच पति जवाहर सिंह और पीड़ित के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट करते नजर आ रहा है। वह शिक्षा विभाग में बाबू है और ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का शासकीय सेवा में रहना न्यायोचित नहीं है। ऐसे उसे तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए, उसका यह कृत्य निंदनीय है। आरोपी गांव का दबंग है और उसके आतंक से पूरे गांव के लोग भयभीत रहते हैं। उसे ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का घर गिराकर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। वह गांव के पीड़ित परिवार महज दो घर है और आरोपी दबंग उसके खौफ से पूरा परिवार डरता है। उक्त परिवार की यथा उचित सुरक्षा भी प्रदान की जाए। निकला क्या विषय है, किस मामले को लेकर के? मैंने तो कहा आईडी तो नहीं चाहिए। हनमना क्षेत्र में पिपराही गांव में इतना बड़ा कांड हुआ, सर्वनाश हो रहा है, प्रशासन सो रही है। इसकी हमारी पूर्ण आपसे निवेदन है, प्रार्थना भी मैं कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दमन को और ऐसे बड़े गुंडे को, मैं चाहता हूं इसको बिल्कुल न छोड़ा जाए। इसकी नौकरी अभी निलंबित की गई है, उसको बर्खास्त की जाए पहली बात, और दूसरी बात उसका घर दह दिया जाए। चौथीसरी बात, ऐसे सरगना को, जिस दम से वो कूद रहा है, ऐसे सरगना को भी लगाम दिया जाए। मुझे नहीं मालूम उसको कौन सरगना दे रहा है। वो वीडियो जब आप देखेंगे रोम कांप जाएंगे। अधनंगा करके उसको मारा गया, बांध करके दो दिन तक, और उस वीडियो को 2 साल तक लुकाया गया है, 2 साल तक। आज पता नहीं कैसे लीकेज हुआ, उसका ऊपर वाला कुछ ना कुछ उसके साथ दे रहा है। हम लोग को जब मालूम चला आनंद खानन में, हम लोग को कल रात को मालूम चला है, जहाँ हम लोग सुबह 12 बजे आए एकत्र होकर, महोदय कलेक्टर डीएम को हम लोग ज्ञापन देने आ गए। हम लोग की मांग है शासन प्रशासन से, वह समाज बीजेपी माइंड का होता है 99%, तो माननीय शिवराज सिंह से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और यहाँ प्रशासन, जिला प्रशासन, एसपी महोदय से मैं ज्ञापन करता हूँ कि 7 दिन के अंदर यह कार्रवाई कर दें, नहीं तो वह समाज नाराज नहीं, इस बार वोट से भी उसको वंचित करेगा, ये वादा करता हूँ मैं। और कार्रवाई न होने के अंदर हम लोग रीवा भर में नहीं, पूरे संभाग में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अलोन करेंगे और पूरा ज्ञापित करेंगे। इस बात को दे हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में 26,000 पंचायतों में, 22,000 पंचायतों में हम सदस्य अभियान चला चुके और बन चुका है हमारा सदस्य। हम नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन को आगाज करेंगे, उनको बताएंगे जा जाकर कि ऐसी सरकार में हम लोग वोट देने का अधिकार बनता ही नहीं है, इसको सोचना पड़ेगा अगर कार्रवाई नहीं होती तो।